मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मैं मेरा नाम है रश्मि गर्ग है और मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरे को बहुत समय से घुटनों में प्रॉब्लम थी, बहुत समय से, मेरे लगभग 2 साल हो गए मुझे मेरे घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी और मैंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट भी किया, ऑर्थोपेडिशियंस को, कईयों को कंसल्ट किया। ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी संडे का, तो उस दिन मैंने देखा ये भगवती आयुर्वेद सेंटर का मैंने ऐड देखा, तो मुझे लगा कि मैं एक बार एज अ लास्ट ऑप्शन वहाँ ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने टेलीफोनिकली एक बार कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर अमित शर्मा जी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा एक बार मैडम आप यहाँ आ जाइए, और फिर मैं इधर आई, सेंटर में आई। आपका लगभग कितने दिन इलाज चला? मुझे लगभग 1 महीने के करीब हो गया है। इसमें क्या क्या थेरेपीज आपकी हुई? जो मेन मेरी हुई वो जानू बस्ती, क्योंकि घुटनों में दर्द था इसलिए जानू बस्ती, और पोटली, स्टीम, और लेप भी लगाया, और मसाज, ये ट्रीटमेंट्स मेरे मेनली हुए। तो अब आपको जो पहले जो तकलीफ होती थी और अब में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। एक्चुअली पहले मुझे जैसे उठने बैठने में घुटनों में दर्द होता था, जैसे ही मैं चेयर से उठती थी या कहीं से उठती थी तो घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द होता था, अब वो बेटर है, अब वो मुझे महसूस नहीं होता, एंड कम्फर्टेबली मुझे कितनी बार भी मुझे उठना पड़े मुझे कम्फर्टेबल लगता है, और ऑलमोस्ट 35-40% मुझे रिलीफ है, अच्छा लगता है मतलब मुझे कि, और जैसे पहले मैं 1 घंटा आधा घंटा खड़ी होकर किचन में काम करती थी या कहीं भी, मतलब एक ही पोजीशन में जब मैं काम करती थी तो मैं एकदम पैर टाइट हो जाते थे, मसल्स एकदम टाइट हो जाती थी और पैर रखने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आफ्टर दिस ट्रीटमेंट अब मैं काफ़ी देर खड़ी भी रह सकती हूँ और अपना घर में लंबे समय तक काम करती हूँ, और मुझे वो स्थिति नहीं होती कि मुझे बहुत चलने में दिक्कत हो रही है, आई एम वेरी कम्फर्टेबल आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। थेरेपिस्ट एंड स्टाफ के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ जो ट्रीटमेंट मिला मुझे बहुत ही अच्छा मिला, और जो मेरी थेरेपी करती थी वो अंजू जी, वो डे नंबर 1 से उन्होंने मुझे, मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और बड़ी मेहनत की मेरे साथ, मतलब एवरी डे मैं फील करती थी कि वो बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। और एक तो ये स्थिति थी जब शुरू में मैं आई थी तो मेरे पैर जब टच मतलब करती थी 4 अंगुल का गैप था, लेकिन जब थेरेपी एंड हुई आफ्टर 1 मंथ और मैंने लास्ट थेरेपी ली उनको जब कहा, तो वो स्थिति ये थी, उन्होंने मेरे पैर एड़ी पूरी मेरे टच करा दी थी, तो वो एक बड़ी मैं समझती हूँ अचीवमेंट थी, मतलब पैरों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मुझे अच्छा लगा और काफ़ी मेहनत की उन्होंने मेरे साथ। तो आपको क्या लगता है कि आपका ऑपरेशन की स्थिति में आप पहले आप थे एलोपैथी डॉक्टर्स में आपको एडवाइस कर दिया था और अब जो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किए गए हैं थेरेपीज जो अब आने वाले समय में, तो आपको अभी आपकी फीलिंग क्या कहती है? हाँ, डेफिनेटली आई विल नॉट गो फॉर ऑपरेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है मुझे मैं बिल्कुल उनके सलाह के अनुसार काम करूँगी और जैसा भी वो कहेंगे मैं करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पाऊँगी और ऑपरेशन से बच पाऊंगी। मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती और डेफिनेटली मुझे लाभ होगा ऐसा मुझे यकीन है।